खड़ो फोटो की तरफ, बड़बड़ाओ। ओ सॉरी बेटा जी, थोड़े ऐसा पहली बार हुआ है कि इस वक्त आप इस कमरे में नहीं है और मैं अकेली हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे इस कमरे में कोई जान ही नहीं है। जल्दी आ जाइए। कविता देखती रहो फोटो को। कविता आओ, ले ट्रॉली पीछे और आगे और आगे, ले ट्रॉली पीछे और कविता आगे, बस और ले ले ले। अरे दीदी आप यहाँ? आपको मुझसे कुछ बात करनी थी क्या? मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आई थी। दीदी आपको परेशान होने की क्या जरूरत थी, मुझे बोल देती मैं लेने आ जाती। मुझे ना तुमसे सॉरी बोलना था, आज नीचे मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे इतना लेट नहीं करना चाहिए था। एक्शन। अभी ना आप अभी भी उसी बात को लेकर बैठी हैं। अब जो हो गया वो हो गया, उसे जाने दीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। मुझे तुमसे पालने की बात पे बहस करने के बाद ना बहुत दुख है, मुझे माफ कर देना। मुझे सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वही बात दी, मैं कह रही हूँ ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं है। दिन भर काम करती हूँ, ऐसे में मैंने सोचा कि मैं ही जाकर पालना ले आती हूँ, उससे तेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और अब पिछली बार मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद आर्या जी के अलावा मैं किसी और के साथ जाने का सोच भी नहीं सकती। मैं जानती हूँ और आपने बिल्कुल ठीक किया आप नहीं ले सकती। पता है जब हमने वो दुकान में पालना देखा ना तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमने इसलिए उसे ले लिया। अंदाजा नहीं था कि तुम आर्या जी का पुराना पालना निकालने वाली, नहीं तो मैं नया पालना नहीं लाती। पवित्रा मुझे एक बात समझ नहीं आई, तू इतनी पढ़ी लिखी है उसके बाद तू ये पुरानी बातों को कैसे मान सकती है? कविता लेफ्ट कंटिन्यू। उसके बाद तुम ये पुरानी बातों को कैसे मान सकती हो? अरे क्या मैं खिलाफ होती थी? हाँ दीदी, पर मैं तकियानूसी और इलॉजिकल बातों के खिलाफ थी और आज भी हूँ। पर आपको पता है ये पुराने पालने में बच्चे को क्यों लिटाते हैं? पर आपको पता है क्या लिटू? पर आपको पता है दादी ने मुझे इसका एक लॉजिकल रीजन दिया कि नवजात शिशु को पुराने पालने में ही क्यों लिटाते हैं। और सच कहूँ तो उनके इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, वो चाहती हैं कि आर्या के बच्चे को पुराने पालने में लिटाया जाए जो कि उसका था। पर कोई बात नहीं, जाने दीजिए, वो मान जाएंगे इस बात। पर कोई बात नहीं, जाने दीजिए, आई एम श्योर कि वो समझ जाएंगे। और आप भी इतना परेशान मत होइए, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। हाँ सॉरी। और अब आप भी परेशान मत होइए, आपको इस बात पर बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। ठीक है मैं माफी नहीं मांगूंगी। अगर तू मेरा लाया हुआ दूध पी लेगी तो मुझे लगेगा कि तूने सब कुछ भुला दिया। ऐसी बात तो फिर लाइए। एक बार मुंह लगाओ, दूध खाई तो दूध खत्म होने के बाद। एक बार और करेंगे, वो दूध वाला ग्लास दे, एक चीज दूध वाला ग्लास दे, पूरा वही दे दे, ग्लास वही दे दे, खड़ा रहे। एक्शन, पियो पवित्र, एक्शन, कविता कविता को देखो, एक्शन, पी रही हो, चेंज कर, चल एक्शन, देखो थॉट, देखो कविता को, थॉट में जाओ, टेंशन है, कविता नोटिस किया, बोला कुछ तो नहीं सुधरेगी ना, फिर से उन ख्यालों में खो गई। दरअसल दीदी मुझे आपको लेकर थोड़ी टेंशन हो रही है।
मुझे लेके कैसी टेंशन, मैं तो एकदम ठीक हूँ। मेरी प्लीज मेरी बात को लाइन से एक्शन। अरे भाई मत कर इतना, सुध सुध पता चलता है छोटा करोगे। एक्शन दीदी आप मेरी इस बात को ना प्लीज दूसरे तरीके से मत लीजिएगा, पर मुझे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इस बच्चे से बहुत ज्यादा अटैच हो रही हैं। आप देखिए ना आपका ये पालना लेके आना, मैं निकल उसका है पवित्रा। और मेरी लाइन क्या थी, ज्यादा सोचने लग गई पवित्रा, मैं कुछ समझी नहीं। देखिए दीदी आपका इस बच्चे के लिए पालना लेके आना, ऊन लेके आना, कुछ भी हो जाता है तो छोटी छोटी बातों पे इतना ज़्यादा रिएक्ट कर लेना, मुझे ऐसा लगता है कि आप बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैच हो रही हैं। बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हो रही हैं। आप मेरी बात मानेंगे? हाँ बोलो ना, क्या बात है? ये बात कहना बहुत आसान है, मैं जानती हूँ करना बहुत मुश्किल होगा, पर प्लीज दीदी आप इस बच्चे से ज्यादा अटैच मत होइए, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं देख पाऊंगी। जब आप इस बच्चे को हमें सौंप कर वापस लौटेंगी तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इतना परेशान हो, मैं आपको वैसे नहीं देख पाऊंगी, इसलिए प्लीज दीदी आप इस बच्चे से इतना ज्यादा अटैच मत हो जाइए कि आपको बाद में मुसीबत आए, कि आपको बाद में परेशान हो। तुम ना फिजूल में इतना कुछ सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं। चल अब मैं चलती हूँ, मुझे नींद आ रही है, खुद ही सो जा। दीदी गई, उठो जाओ बेड पे सोने के लिए। बैठो, सोच रही हो, जगी हुई आर्या का वेट कर रही हो, कैमरा पैन को दरवाजे पे छुप के देख रही है, पैन।